सिर्फ आपको एक यही मसाला बनाना है जिसको कि आप चाय दूध काढ़ा में डाल करके बना सकते हैं। नमस्कार, भूमित किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो वीडियो चलो ये देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो यहाँ पे मैं इलायची में ले रही हूँ 2 चम्मच और यहाँ पे लौंग में ले रही हूँ 2 चम्मच और यहाँ पे है काली मिर्च 2 चम्मच। सभी चीज़ों को आपको समान मात्रा में लेना है। दालचीनी थोड़ा सा 3 से 4 टुकड़ा ले लीजिए और यहाँ पे मैं सौंठ का पाउडर ले रही हूँ 2 चम्मच। आप सौंठ के पाउडर के जगह पर इसमें साबुत जो सौंठ है उसको डाल सकते हैं। इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने की 2 वजह है। चीनी डालने में ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता और इसका फ्लेवर भी नहीं उड़ता। तो ऐसे दरदरा आप पीस ले और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसको डाल करके रख सकते हैं। जायफल और तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं इसमें आप। तो हमारा अभी तैयार हो गया। तो इसको चलिए बनाने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए, चाय में आपको 1 चुटकी ही डालना है, मतलब 1/2 टीस्पून से भी कम आपको डालना है। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, 2 कप चाय के लिए आपको 1/2 टीस्पून से भी कम डालना है, क्योंकि अगर आप 1 टीस्पून मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो ये पीने लायक नहीं रहेगा, एकदम कड़वा हो जाएगा। अभी इसी मसाले को आप दूध में भी डाल करके पका सकते हैं। तो दूध में आप चीनी डाल लें 1 चम्मच और इसमें भी 1/2 से भी और थोड़ा सा कम ये मसाले को डालेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 चुटकी हल्दी डालेंगे। तो ये वाला हल्दी वाला दूध जो है, थोड़ी देर 2 से 3 उबाल आने के बाद हल्दी वाला दूध रेडी हो जाएगा। अभी इसी मसाले को आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। तो 2 से 3 कप पानी को उबालने के लिए रख दीजिए। उसमें 1 चम्मच के करीब ये मसाला डाल दीजिए और थोड़ी देर उबाल आने के बाद ये तैयार हो जाएगा। अभी इसको छान लेना है और छानने के बाद इसमें आप शहद डाल लें 1 चम्मच। तो इसी तरह से देखिए, आप एक ही मसाले से 2-3 तरह की चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि दूध और चाय और काढ़ा। तो ये अभी हमारा बन गया है दूध, हल्दी वाला दूध, हल्दी मसाला दूध और उसके बाद चाय और काढ़ा। 3 चीज़ हमने बना करके रेडी कर लिया है। तो आप किसी भी तरह इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मसाले को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके रख सकते हैं। इसको ढक्कन लगा के अच्छे से बंद करके रखें और 1 महीने के अंदर ही इसको इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल